माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर के जो टॉपिक मॉडल्स को जो सीख रहे हैं, उसी टॉपिक में अगली सीक्वेंस की मॉडल सेल को डिस्कस करेंगे। सेल का प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के कंडीशन में जो होता है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सेल का जिक्र होते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सेल का प्रयोग तो हमने जब फ्यूचर टाइम को डिनोट करने वाले सेंटेंसेस जब पढ़े थे तो उनमें पढ़ा था। सिंपल फ्यूचर जब हमने पढ़ा तो उसमें सेल और विल को पढ़ा था। तो सेल का प्रयोग फ्यूचर टाइम के लिए भी होता है और मॉडल की कंडीशन में भी होता है। दो अलग अलग कंडीशन में जो इसका यूज होता है, उसे हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। तो ये पहला वाला जो यूज है, ये टेंस वाला यूज है। सेल का प्रयोग टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम विथ फर्स्ट पर्सन के साथ टाइम को इंडिकेट करने के लिए, और फर्स्ट पर्सन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आई एंड वी है। आई एंड वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ, अर्थात आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे गिवन सेंटेंस है, आई सेल प्ले टेनिस इन द इवनिंग। आई सेल प्ले टेनिस इन द इवनिंग। इवनिंग फ्यूचर टाइम है। क्या है? फ्यूचर टाइम है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। पहली बात ये, मैं शाम को टेनिस खेलूंगा या खेलूंगी, ऐसा सेंटेंस। आई का प्रयोग हो गया, वी का प्रयोग वाला एक सेंटेंस सीखते हैं। वी सेल गो टू अजमेर टुमारो। टुमारो क्या है? फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर टाइम टुमारो से जुड़ा हुआ सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। वी सेल गो टू अजमेर टुमारो। हम कल अजमेर जाएंगे। टुमारो फ्यूचर टाइम, और इसमें आई और वी हो, अर्थात फर्स्ट पर्सन हो, तो हम उन सेंटेंसेस में सेल का प्रयोग करते हैं। ये आपका टेंस वाला प्रयोग है। अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिमाइंड कर ले, रिकॉल कर ले। यहाँ आई और वी के साथ टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम विद फर्स्ट पर्सन वी यूज सेल। सेकंड कंडीशन जो मॉडल वाली कंडीशन है, बी वाली कंडीशन है, वो मॉडल वाली कंडीशन है। अर्थात हम जो सेल का प्रयोग करेंगे वो दो टाइप की अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में करते। तो यहाँ तो जो सेल का प्रयोग हो गया वो हो गया हमारे फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए। हालांकि आज इंग्लिश में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है कि सभी प्रकार के पर्संस के साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ हमारी गोल्डन रेज की बुक में इसके लिए नोट लगाकर स्पेशल एक लाइन भी लिखी हुई है। नॉट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश, हाउएवर, देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू यूज विल इन ऑल पर्संस। सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में मैक्सिमम विल का प्रयोग होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में भी किया जा रहा है। और कुछ ग्रामरियन इसको मेरिट भी बताते हैं, कुछ इसकी डीमेरिट भी बताते हैं। अब हम जो दूसरा जो इसका है, टू इंडिकेट अ कमांड प्रोमिस और थ्रेट। थ्रेट के लिए, कमांड के लिए, प्रोमिस के लिए, आदेश, वादा या धमकी, और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको लिखने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ अन्य जो पर्सन्स होंगे फर्स्ट पर्सन के अलावा, सेकंड पर्सन
और थर्ड पर्सन का जो जिक्र जो हम जैसे यू वगैरह इनका कर रहे हैं तो इनके साथ सेल का प्रयोग होगा, अर्थात सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी कोई भी नेम दे हो इट हो तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ सेल लगाने पर सेल मॉडल का काम करता है और वादा आज्ञा धमकी कानूनी नोटिसों या कार्यालय की व्यवस्था अधिनियम व्यक्त करने में और पक्का इरादा व्यक्त करने में ऐसी कंडीशन में सेल का प्रयोग होता है। यू सेल कम हियर एट वंस, तुम्हें एक बार यहाँ आना होगा। दिस इज अ कमांड, एक प्रकार का आदेश है, एक कमांड है और कमांड में यू के साथ क्या लगा है, सेल लगा। यू सेल कम हियर एट वंस कमांड है, कमांड को शो करने वाला सेंटेंस है। यू सेल बी पनिश्ड इफ यू डोंट ओबे द रूल्स, तुम्हें सजा मिलेगी अगर तुम नियमों की पालना नहीं करते हो। दिस इज अ थ्रेट, धमकी है, थ्रेट है, तो थ्रेट को शो करने के लिए भी सेल का प्रयोग करते हैं। पक्का इरादा डिटर्मिनेशन हो, पक्का इरादा डिटर्मिनेशन वाले सेंटेंस हो उन्हें भी लिखने के लिए सेल का प्रयोग होता है। यू सेल हेल्प हर, यू सेल हेल्प हर, दे सेल फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, तो ऐसी कंडीशन में सेल का प्रयोग होता है। तो जो हमारी गोल्डन रेज जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 73 पे इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, आप अच्छी तरीके से वहाँ से एक बार और पढ़ें, गिवन लाइंस को अच्छे से स्टडी करें। टू इंडिकेट कमांड प्रोमिस और थ्रेट, यू सेल कम हियर एट वंस कमांड है, सी सेल गेट अ प्राइज इफ सी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम, प्रोमिस है, वादा है ये, सी सेल गेट अ प्राइज इफ सी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम, ये प्रोमिस है। यू सेल बी पनिश्ड इफ यू डोंट ओबे द रूल्स, थ्रेट है, और सी इसकी कंडीशन दे रखी वो ये है कि वी ऑफन यूज सेल आई और सेल वी, हम प्राय सेल आई या सेल वी का प्रयोग करते हैं। When we are asking or suggesting what to do, shall I make a cup of tea for you? क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना दूँ, तो यह एक प्रकार का एक suggestion है। Shall I buy this book? Shall we go and see this movie? तो ऐसी condition में shall का प्रयोग होता है। हम एक बार से हमने जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिकॉल कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं कि सेल जब सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी कोई भी नेम हो दे हो इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ जब इसका प्रयोग होता है या इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये कंडीशन मॉडल वाली कंडीशन या ग्रामर की टर्म में इसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं और ये प्रोमिस को, कमांड को, थ्रेट को, लीगल नोटिस को और डिटर्मिनेशन को शो करने वाले वाक्य होते हैं। और मेनली हमारे एग्जाम में जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं आरबीएससी के पैटर्न में वो ये बी वाले सेंटेंसेस जो है, टू इंडिकेट अ कमांड प्रोमिस और थ्रेट, इन्हीं में से सेंटेंसेस पूछे गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर ले, समझ ले, और जो हमारी बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज हमारे मैंने पहले भी कहा पेज नंबर 68-73 पर कंप्लीट एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट एक्सरसाइज दी हुई है। आप सभी सेंटेंसेस को अच्छे से उनको सॉल्व करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, 68-73 और उन्हीं में से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली सेंटेंसेज पूछे जाते हैं। तो एक बार से इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार से और देख लेते हैं कि
टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम विद फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ जो सेल का प्रयोग होता है ये फ्यूचर टाइम वाली टेंस वाली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन टू इंडिकेट अ कमांड प्रोमिस स्ट्रेट ये मॉडल वाली कंडीशन है, इसे मॉडल ऑक्सिलियरी कंडीशन कहते हैं क्योंकि ये मॉडल का काम भी करती है। यू शैल कम हियर एट वंस कमांड है, एक बार यहाँ आपको आना होगा, कमांड क्या है, कमांड है जैसे हिंदी में हम आदेश कहते हैं, क्या है कमांड। दूसरा सेंटेंस यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डोंट ओबे द रूल्स ये जो एक प्रकार की धमकी है और अगर तुम नियमों को नहीं मानोगे तो तुम्हें जुर्माना मिलेगी, सजा मिलेगी। यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डोंट ओबे द रूल्स। इसके अलावा जो हमने और कॉन्सेप्ट में जो सेंटेंस पढ़े थे वो था कि अगर कोई कानूनी नोटिस हो या कार्यालय की व्यवस्था या अधिनियम व्यक्त करने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, इन लीगल नोटिसेज और ऑफिशियल रेगुलेशंस होते हैं, कानूनी चेतावनी वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, उन्हें लिखने के लिए भी सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। ट्रेस पासर्स सेल बी पनिश्ड, ट्रेस पासर्स होते हैं अतिक्रमण करने वाले, बिना अनुमति से दूसरों की जगह जायदाद पर जगह जबरन बैठ जाने वाले जो लोग होते हैं, अतिक्रमण करने वाले होते हैं, ट्रेस पासर शैल बी पनिश्ड। अतिक्रमण करने वाले या बिना अनुमति के घुसने वालों को दंड दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये जब ऑफिशियल रेगुलेशंस में लीगल नोटिस जो होते हैं उन्हें सेल के द्वारा लिखा गया है, सेल के द्वारा लिखा जाता है। मेंबर्स सेल इलेक्ट द चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, सदस्यगण अपने आप में से अध्यक्ष चुनेंगे, ये कार्यालय का अधिनियम है। तो इसे सेंटेंस को लिखने के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। दूसरे वाक्य थे पक्के इरादे वाले, डिटर्मिनेशन वाले, यू शैल हेल्प हर, यू शैल हेल्प हर, दे शैल फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, वो इस काम को सीमा से पहले पूरा कर लेंगे, ये उनका पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन है। और एक जो प्रयोग हम सेल नॉट का प्रयोग जो करते हैं वो इसकी उल्टी नकारात्मक कंडीशन होने पर हम सेल नॉट, और सेल नॉट को लिखने का जो तरीका है वो ये है, आप चाहे तो सेल नॉट ऐसे लिख सकते हैं और आप चाहे तो इसकी अब्रेविएट फॉर्म होती है सांच SSAN apostrophe T ये लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात, सेल नॉट या सांच। तो इसे इन सब की नेगेटिव कंडीशन में लिखा जाता है। तो हमने जो सेल की कॉन्सेप्ट के सामान्य जो इसके नियम कॉन्सेप्ट वगैरह को अच्छे से समझा, विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से समझा। आप इन वीडियोस को बार बार देखें, वीडियोस को हमारी जो गोल्डन रेज बुक है उसको खोल लें, उसका पेज नंबर 68-73 दे रखे हैं पूरी। हालांकि वहाँ जो रिटर्न लाइन्स है वो इंग्लिश में है, मैंने इसे इंटरप्रेट करके आपको अच्छे से यहाँ पेश किया है, अच्छे से समझाया है, और इन्हें आप अच्छी तरीके से और सेंटेंसेस को देखें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, घर पर इस समय का सदुपयोग करें, ताकि ये ग्रामर की कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आपके जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं। टेक्निकल स्टडी के लिए जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स जो आफ्टर 12th 12वीं के बाद साइंस वाले सेक्टर में जाते हैं, जैसा कि मेडिकल सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ जो सारी बुक्स जो फॉलो होती है वो इंग्लिश मीडियम की ही फॉलो होती है। तो अगर आपकी जनरल इंग्लिश पे अच्छी कमांड होती है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा कर पाते हैं, आप ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो इसके लिए 11th, 9th, 10th, 11th, 12th की जो ग्रामर जब जब भी आप स्टडी करते हैं तो आप उन्हें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, ताकि बाद में ग्रामर न पढ़ने का पछतावा ना रहे। तो इन्हें आप
गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, अन्य जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्टूडेंट्स लाभ ले सकें। यह हमारा लेसन नंबर 47 है, मॉडल्स। अभी मॉडल्स और 4-5 दिन और चलेगी, बाकी की जो मॉडल है वो आ जाएगी। तो सीक्वेंस से आपने देखते रहिए, और अगले मॉडल को हम अगली क्लास में, अर्थात कल की क्लास में हम अगली मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।